नमस्कार सभी को, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीयूष मिश्र 13 पर। और आज हम फिर से जो स्टोरी है महाभारत का वो फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज हम महाभारत वेदव्यास के महाभारत का जो 45वां विषय है अगस्त्य ऋषि, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जो चैनल को नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि मेरे चैनल ग्रो कर सके और आपका सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने पहले नल और दमयंती के बारे में पढ़ा था, तो इसी प्रकार वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। अर्जुन के बिना कामेकपन में पांडवों का रहना बहुत मुश्किल हो गया। वो अच्छे वो दुख से जीने लगे और उन्होंने सोचा कि समय काटने के लिए वो भारत के कुछ तीर्थ स्थान ही घूम ले। तो इसी समय इनके जो एक पंडित जो धोम्य थे, इनके साथ जो आए थे वनवास आते समय, तो उन्होंने भी तीर्थ का योजना किया। और जब इन्होंने योजना किया इसी समय लोमस नामक एक ऋषि इनके आश्रम में पहुंच गए और वो पांडवों के साथ बात करने लगे और अर्जुन के सुसंवाद के बारे में भी बताया। तो जैसे कि पांडवों को थोड़ा दुख हो रहा था कि अर्जुन कहाँ पे है उनके बारे में पता नहीं, तो लोमस ने कहा कि अर्जुन शिव जी के जो पाशुपत अस्त्र है उसको भी प्राप्त कर चुके हैं और वो बहुत इंद्रादि से भी अस्त्र प्राप्त कर रहे हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और चित्तसेन भी गंधर्वों से नित्य गाना इत्यादि सब कुछ सीख रहे हैं। और युधिष्ठिर ने ये सब जानकर वो बहुत खुश है और लोमस से उन्होंने ये भी पूछा कि हम अभी तीर्थयात्रा करने की सोच रहे हैं तो हमें कहाँ जाना चाहिए। तो ऋषि लोमस ने उनके साथ बातचीत किया और कुछ परामर्श देने के बाद युधिष्ठिर निकल पड़े यात्रा के लिए। तो जब पांडव निकल पड़े तीर्थयात्रा के लिए उसी समय बहुत लोग उनके साथ भी आने लगे और वनवास के समय भी कुछ लोग इनके साथ आए थे। पर जब इतने लोगों को युधिष्ठिर आते हुए देखे अपने साथ, तो उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते तो हस्तिनापुर को लौट जाए क्योंकि आप इतना दुख सहन नहीं कर पाएंगे, आप हस्तिनापुर को लौट जाए और अगर हस्तिनापुर नहीं जा पा रहे आप पांचाल देश को चले जाए, वहां पे द्रुपद आपके सब व्यवस्था कर देंगे। और इसी प्रकार कुछ सहयात्रियों के साथ पांडव निकल पड़े तीर्थयात्रा के लिए और वो चलने लगे भारत के कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थान को। और रामायण के घटना के बारे में भी उन्होंने ऋषि लोमस ने उनको बताया। और पांडव जिस भी तीर्थ स्थान को जाते थे वहां पर ऋषि लोमस उसके महात्म्य के बारे में बताते थे उस तीर्थ स्थान के बारे में और पुराने बातें भी बताते थे उस तीर्थ स्थान के बारे में। और इसी प्रकार चलते चलते पांडवों ने देखा कि ऋषि अगस्त्य का जो आश्रम है वो खाली पड़ा है और लोमस का इसका कारण पूछा। तो उन्होंने कहा कि अगस्त्य हमेशा के लिए इस जगह को छोड़कर और वो दक्षिण की ओर चले गए हैं और इसके पीछे भी एक कहानी है। तो ये कहानी क्या है चलिए जानते हैं, ये बहुत ही एक मजेदार कहानी है तो चलिए जानते हैं। एक बार हिमालय का जो गौरव है वो ना सह पाकर बहुत लोगों ने यह कहानी भी सुना होगा और कुछ लोगों ने सुना भी नहीं होगा तो जान लेते हैं। तो जैसे हम जानते हैं हिमालय कितना प्रसिद्ध पर्वत है हमारे भारतवर्ष में, तो हिमालय का यह गौरव ना सह पाकर विंध्य पर्वत बढ़ने लगे, अपने आप उनका आकार बढ़ा करने लगे और सूर्य प्रतिदिन हिमालय या मेरू पर्वत से उदय हो रहा था। और विंध्य पर्वत ने सूर्य को एक बार कहा कि हे सूर्य, आप मेरू पर्वत से ना आपके पास से उदय ना होकर मेरे पास से उदय हुए हो जाइए। तो सूर्य ने कहा कि मैं अपने इच्छा से ये सब नहीं कर रहा, तो जो भगवान ने मेरा जो पद दिया मुझे जो यात्रा करने का जो रास्ता दिया है मैं उसी रास्ते से ही चल रहा हूँ और अगर मैं तुम्हारे बातों पे चलूँ तो संसार नहीं चल सकता, इसलिए उसका नियम मैं नहीं तोड़ सकता। और इसी के कारण विंध्य पर्वत बहुत गुस्से हो गया और वो बढ़ने लगे धीरे धीरे और चंद्र सूर्य के भी पथ रोकने को वो सोचने लगा कि उनका भी मैं पथ रोकूंगा और बढ़ने लगा, किसी के बारे में वो नहीं सोचे। और देवता और ऋषिगण भी समझाने पर विंध्य पर्वत वैसे ही बढ़ने लगा। और ऐसी भयंकर स्थिति होने पर सब देवतागणों ने सोचा कि अगर ऋषि अगस्त्य को पता है इसके बारे में तो बेहतर होगा और ऋषि अगस्त्य के बाद विंध्य पर्वत हमेशा मानने वाला है। तो जब अगस्त्य ने कहा कि विंध्य पर्वत को जाकर कहा कि गिरिराज तुम्हारा मंगल हो और हम थोड़ा दक्षिण की ओर जाना चाहते हैं और अगर तुम हमारे लिए रास्ता छोड़ दो तो बेहतर होगा, तो विंध्य पर्वत छोटे
और ये भी उन्होंने एक शर्त रखा कि जब तक हम ना लौटे तुम्हारा आकार नहीं बदलोगे, वैसे ही छोटे रहोगे। तो विंध्य पर्वत ने, क्योंकि वो अगस्त्य ऋषि के बात सुनने वाले थे, तो वो छोटे हो गए और उसके बाद कभी भी ऋषि अगस्त्य नहीं लौटे और शर्त के अनुसार विंध्य पर्वत भी और बड़ा नहीं हुआ। और एक इसी प्रकार अगस्त्य बहुत दिनों तक वो गृहस्थाश्रम में ही रहे और अपना जो सांसारिक जीवन है, जो परिवार है, उन्होंने शुरू नहीं किया। और एक दिन उन्होंने देखा कि उनके पितृगण जो है वो बहुत दुख से मृत्यु के पश्चात वो एक जगह में बहुत दुख से झूले हुए पड़े हैं। और इसका कारण पूछने पर उनके पितृपुरुष ने कहा कि तुम हमारे वंश के एकमात्र पुत्र होकर भी तुम अपना जो संसार है, पारिवारिक जीवन ही शुरू नहीं कर रहे और वंश नाश हो सकता है, इसका कारण, इसका प्रतिकार सिर्फ तुम ही कर सकते हो। और इसलिए ऋषि अगस्त्य ने अपने लिए कन्या देखने का सोचा। और कुछ दिनों पश्चात उन्हें जानने को मिला कि विदर्भ देश के जो राजा है वो निस्संतान है और वो संतान लाभ के लिए अगस्त्य ऋषि से उन्होंने वर मांगा। तो अगस्त्य ऋषि ने हाँ कर दिया और कहा कि तुम्हारी जो बेटी होगी उसको मेरे सिवा और किसी को भी ना देना, और वो बेटी जन्मी और सब राजा उसके रूप से मोहित होने लगे। पर ऋषि अगस्त्य के भय से कोई भी कुछ नहीं कह पाया। और ऋषि अगस्त्य एक दिन आए और उन्होंने कहा कि राजा को अपने जो प्रतिश्रुति था, तो उसके हिसाब से, अपने शर्त के हिसाब से कहा कि आप दे दीजिए, अपने पुत्री को मेरे हाथों सौंप दीजिए। तो राजा बहुत दुखी हो गए और उन्होंने सोचा जो बेटी राजप्रसाद में इतने दिनों तक रही है वो इस भिक्षुक ब्राह्मण के साथ कैसे रहेगी। और उस युग के अनुसार अगर कोई ब्राह्मण गुस्सा हो जाए तो गुस्से से श्राप दे देता था और सब कुछ सर्वनाश हो जाता था। और राजा ने इसके बारे में भी रानी से पूछा और रानी भी कुछ नहीं बता पाई। तो लोपामुद्रा, जब उन्होंने अपने पिता माता को इस प्रकार चिंतित देखा, तो लोपामुद्रा ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अगस्त्य ऋषि को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। और उनका विवाह समाप्त हुआ और उसके पश्चात लोपामुद्रा अपने जो वस्त्र है और वस्त्र जो भी सब उन्होंने पहना था, परिधान किया था, वो सब वो रखकर चले ऋषि अगस्त्य के साथ और गंगा कुल के एक आश्रम में रहने लगे। और कठोर तपस्या से खुश होकर लोपामुद्रा के उनको अपने साथ संभोग के लिए अगस्त्य ऋषि ने उनको निमंत्रण किया। और लोपामुद्रा ने कहा कि आप मुझे लगता है अगर आप सब कुछ मूल्यवान वस्त्र पहन ले और सब कुछ पहन ले तो अगर हम ये सब काम करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। पर ऋषि अगस्त्य ने कहा कि नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि और ये एक और बात भी लोपामुद्रा ने कहा कि आप क्योंकि इतना तपस्या कर चुके हैं तो आप जो भी चाहे कर सकते हैं, जितना धन प्राप्त करना चाहे कर सकते हैं। पर ऋषि अगस्त्य ने कहा अगर इस भौतिक चीजों के लिए मैं खर्च कर दूं अपना जो तपस्या है तो वो कुछ फायदा नहीं होने वाला, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो लोपामुद्रा ने कहा कि फिर भी मैं चाहता हूं कि आप मेरे अभिलाष पूरा करें। और ऋषि अगस्त्य भी लोपामुद्रा को दुखी ना करने के लिए वो भी निकल पड़े कुछ मूल्यवान चीजें लाने के लिए। और जब अगस्त्य कुछ राजाओं के पास गए तो जो भी राजा के पास गए वो सबने एक ही चीज कहा कि जो हमारा जो खर्च है और जो पैसा बचता है वो सब कुछ समान है, यानी जो जो हम पाते हैं वही खर्च कर देते हैं और कुछ बचता नहीं है उसमें से। तो अगस्त्य ऋषि दुखी हो गए। पर उनको जानने को मिला एक असुर राजा थे जिनका नाम है इल्लल और उनके भाई थे बातापी और वो किसी को भी दान नहीं करते थे और उनके पास बहुत धन था और धन और सब कुछ था। तो ऋषि वहां पर चले गए और इल्लल जो असुर राजा इल्लल के पास एक ऐसा शक्ति था कि वो अपने भाई को बुला देने पर अपने भाई को मारने के पश्चात अगर उसका नाम बुला देता था तो बहुत ऊंचे स्वर से बुलाने पर उसका भाई जीवित हो जाता था। तो इसी प्रकार इल्लल ने जब ऋषि अगस्त्य आए तो इल्लल ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपने भाई बातापी को उन्होंने तो अपने भाई को भेड़िया बना लिए और उसको मारकर उसके मांस दिए अगस्त्य ऋषि को खाने के लिए। और फिर अगस्त्य ऋषि ने खाने के पश्चात उसको अपने पेट पे हाथ रखे हजम हो जा ऐसे कहा दो बार। और अगस्त्य ऋषि के पास एक ऐसा शक्ति था कि वो जो खाते थे वो हजम हो जाता था। तो इल्लल ने अपने पूर्व अभ्यास के जैसा था तो उसने बाता भी बहुत जोर से बुलाया पर इस पर और उसका नियम काम नहीं दिया। और इल्लल डर से कांपने लगा और उन्होंने ऋषि से कहा कि मुझे क्षमा कीजिए और आप क्रोध मत कीजिए, मेरा बहुत खराब चिंता था,
इसलिए आप मेरे भाई को लौटा दीजिए। और नहीं, भाई को तो लौटा नहीं पाएंगे, पर आप जो मैं तो अपने भाई को हरा चुका हूँ, आप जो चाहते हैं बताइए। तो अगस्त्य इलर्ट को अपना जो चाहत था उनका, और उन्होंने इलर्ट को बताया और बहुत धन रत्न वो पाकर आए। और इसी ऐसे ही बहुत कहानियां हैं अगस्त्य ऋषि के बारे में, और वो खाने में और पान करने में इसी प्रकार असाधारण थे। और एक और भी ऐसा कहानी है कि एक बार पूरे एक समंदर के को ही वो पी गए थे, और उसके बारे में हम शायद एक और एपिसोड या एक और वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, और वीडियो को शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को बढ़ने दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।